तो और मेरे भाई लोग, क्या हाल चाल है और सबके? उम्मीद करता हूँ सारे के सारे भाई लोग एकदम मस्त हो गए और आगे भी एकदम ऐसे ही मस्त रहना। तो यारो देखो, हमेशा की तरह मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही कमाल का वीडियो लेके आ चुका हूँ, जिसमें यार आज मैं आप लोगों को हमारे गेम के अंदर बड़ी मार्ट स्टोर अपडेट के बारे में बताऊंगा। जी हाँ गाइस, यार बहुत जल्द हमारे बड़ी मार्ट स्टोर में कुछ नए आइटम्स ऐड होने वाले हैं। तो कौन से आइटम है, कब तक हमारे बड़ी मार्ट स्टोर में ऐड होंगे, इन सभी चीजों का इन्फॉर्मेशन आज की वीडियो में आप लोगों को मिलेगा। देन तो गाइस यार फिर बस इतना ही नहीं, आज तो मैं आप लोगों को हमारे गेम के अंदर आने वाले टोकन व्हील इवेंट के बारे में बताऊंगा। और हाँ, बहुत जल्द हमारे गेम के अंदर एक नया फीस्ट का स्किन आ रहा है, तो मैं आप लोगों को आज उस फीस्ट के स्किन का भी रिव्यू करवाऊंगा। और फिर गाइस यार बहुत सारी नई गन स्किन है जो कि हमारे गेम के अंदर बहुत जल्द आएंगी, तो यार आज तो मैं आप लोगों को नई गन स्किन का भी रिव्यू करवाऊंगा। फिर भाई कुछ छोटे बड़े आइटम है जो कि हम लोगों को आने वाले टाइम पे फ्री मिलने वाले हैं, तो आज मैं आप लोगों को इन फ्री आइटम्स के बारे में बता दूंगा। भाई सच में यार गाइस, एक तरीके से देखा जाए तो यार आज का वीडियो रहने वाला है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो। एंड यार आज के वीडियो के अंदर तो इन्फॉर्मेशन भी बहुत कमाल गया, तो इसलिए तो गाइस यार आज के वीडियो को आप लोग पूरा ध्यान से पूरा एंड तक जरूर देखना। आज के वीडियो को आप लोग जरा सा भी स्किप मत करना, वरना आप लोग काफी सारा इन्फॉर्मेशन मिस कर दोगे। तो चलो यारो, फिलहाल हम लोग बिना किसी फालतू टाइम को वेस्ट करे हुए आज के इस बहुत ही कमाल के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और यार सबसे पहले हम लोग बात करते हैं हमारे गेम के अंदर आने वाले एक नए टोकन व्हील इवेंट के बारे में। जी हां गाइस यार, अभी तो आप लोग स्क्रीन में ध्यान से देखो, ये जो टोकन व्हील इवेंट गाइस अभी आप लोग स्क्रीन में देख पा रहे हो, मैं आप लोगों को बताऊं तो यार यही वो टोकन व्हील इवेंट है जो कि बहुत ही जल्द हमारे इंडिया सर्वर के अंदर आने वाला है। भाई सच में यार मुझे तो ये टोकन व्हील इवेंट काफी पसंद आया, क्योंकि गाइस यार यहाँ पर हमारा सभी का फेवरेट कोबरा बंडल अवेलेबल है। मुझे पता है कि गाइस यार आप लोगों को भी ये कोबरा बंडल बहुत ही ज्यादा पसंद होगा, बट हाँ जिसके पास कोबरा बंडल ऑलरेडी अवेलेबल है उसको ये कोबरा बंडल देख के थोड़ा सा बुरा लगा होगा। भाई बुरा तो लगता ही है यार, जो चीज हमारे पास है वो चीज वापिस आ रही है, बट कोई नहीं यार, मेरे पास तो ऑलरेडी कोबरा बंडल है फिर भी मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ, क्योंकि गाइस यार आज के टाइम पे आप लोगों को पता होगा जो भी हमारे गेम के अंदर नए ईवो और लेजेंडरी बंडल आ रहे हैं उनमें हम लोगों को उसके डिफरेंट कलर्स, उसके स्पेशल इफेक्ट्स वो अलग से लेना पड़ता है। बट यार ये जो कोबरा बंडल होता है हम लोगों को इसके डिफरेंट डिफरेंट कलर्स और इसके एनिमेशन फ्री में मिलते हैं। यही कारण है कि गाइस यार मैं तो बहुत ज्यादा खुश हूँ कि हमारे गेम के अंदर कोबरा बंडल रिटर्न पे आ रहा है, जिससे कि गाइस यार कम से कम जो भी बंदा कोबरा बंडल को लेना चाहता है वो तो इसे ले पाएगा। तो ओवरऑल तो गाइस यार फिलहाल तो अभी हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं, और यार अभी हम लोग बात करते हैं कि कोबरा बंडल वाला टोकन व्हील इवेंट आखिर हमारे इंडिया सर्वर के अंदर आने कब वाला है। तो इसलिए तो गाइस यार देखो, मैं आप लोगों को बताऊं तो यार अभी एकदम से तो हमारे गेम के अंदर ये कोबरा वाला टोकन व्हील इवेंट नहीं आएगा, बट तो गाइस यार हम लोगों को इस मंथ के एंडिंग में, वही गाइस यार कुछ 25 से 30 तारीख के बीच में हमारे गेम के अंदर ये टोकन व्हील इवेंट देखने को मिल सकता है। बट इससे पहले तो गाइस यार इस टोकन व्हील इवेंट के हमारे गेम के अंदर आने के कोई भी चांसेस नहीं है। ओवरऑल तो गाइस यार देखो, क्योंकि अभी मैं आप लोगों को हमारे गेम के अंदर आने वाले कोबरा वाले टोकन व्हील इवेंट का सारा इन्फॉर्मेशन दे चुका हूँ, यही कारण है कि गाइस यार अभी तो हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं। और यार अभी हम लोग बात करते हैं हमारे गेम के अंदर आने वाली एक नई फीस्ट की स्किन के बारे में। जी हाँ गाइस यार, अभी तो आप लोग स्क्रीन में ध्यान से देखो, ये जो यार बहुत ही कमाल की फीस्ट की स्किन आप लोग स्क्रीन में देख पा रहे हो, मैं आप लोगों को बताऊं तो यार नेक्स्ट हमारे इंडिया सर्वर के अंदर यही वाला फीस्ट का स्किन आने वाला है। भाई कसम से यार मुझे तो ये फीस्ट का स्किन बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा। जी हाँ गाइस यार, अगर तो आप लोग भी इस फीस्ट की स्किन को ध्यान से देखोगे तो आप लोगों को पता चलेगा कि इस फीस्ट के स्किन में दो दो कलर है। जी हाँ गाइस यार, एक तो है इसका ब्लू कलर और दूसरा है इसका पर्पल कलर। भाई सच में यार मुझे तो ये फीस्ट का स्किन बहुत बहुत ज्यादा पसंद आया। बाकी तो गाइस यार अभी आप लोग भी मुझे कमेंट से बताना कि आप लोगों को ये नया फीस्ट का स्किन कैसा लगा। तो फिलहाल तो गाइस यार देखो, अभी तो हम लोग बात करते हैं कि ये बहुत ही कमाल का नया फीस्ट का स्किन हमारे गेम के अंदर आखिर कब आने वाला है। तो देखो गाइस यार, मैं आप लोगों को बताऊं तो अभी तक इस फीस्ट के स्किन का कोई भी कंफर्म डेट नहीं आ रखा है। जी हां गाइस यार, 31 तारीख को जो हमारा OB40 अपडेट आया, उस अपडेट के बाद यार हमारे गेम की फाइल के अंदर ये नया फीस्ट का स्किन ऐड हुआ था, तो मैंने आप लोगों को इसका रिव्यू करवा दिया। बट यार सच में इसके रिगार्डिंग मुझे अभी कोई भी कंफर्म डेट नहीं मिला है, इसलिए तो गाइस यार अगर तो मैं आप लोगों को अपने प्रिडिक्शन के हिसाब से बताऊं तो हम लोगों को यार ये फीस्ट का स्किन हमारे गेम के अंदर नेक्स्ट मंथ ही देखने को मिलेगा। जी हां गाइस यार, जुलाई मंथ में ये फीस्ट का स्किन हमारे गेम के अंदर आएगा, उससे पहले तो यार इसके हमारे गेम के अंदर आने के कोई भी चांसेस नहीं है। जी हाँ गाइस यार देखो, जो भी 100% कंफर्म इन्फॉर्मेशन होता है मैं आप लोगों को वही इन्फॉर्मेशन देता हूँ, और यार अभी इस फीस्ट की स्किन का कोई कंफर्म डेट मिला ही नहीं है, तो मैंने आप लोगों को साफ सीधा बता दिया। जी हाँ गाइस यार, अगर तो मैं आप लोगों को इसका कोई भी डेट बता देता और उस डेट में हमारे गेम के अंदर ये फीस्ट का स्किन नहीं आता तो आप लोगों को बहुत बुरा लगता, यही कारण है कि गाइस यार मैं हमेशा ही आप लोगों को 100% कंफर्म इन्फॉर्मेशन देता हूँ। तो बाकी तो गाइस यार देखो, क्योंकि अभी मैंने आप लोगों को हमारे गेम के अंदर आने वाले नए फीस्ट के स्किन का रिव्यू करवा दिया है, इसलिए गाइस यार अभी मैं आप लोगों को हमारे गेम के अंदर आने वाले कुछ नए गन स्किन दिखाता हूँ। और भाई सच में यार ये गन स्किन बहुत ही ज्यादा शानदार होने वाले, इसलिए आप लोग अभी वीडियो को ध्यान से देखना। तो गाइस अभी तो आप लोग स्क्रीन में ध्यान से देखो, सबसे पहले तो गाइस यार यहाँ पर अवेलेबल है चार्ज बस्टर का स्किन, जो कि भाई सच में बहुत बहुत ज्यादा यूनिक लग रहा है। जी हाँ गाइस यार, आप लोग स्क्रीन में खुद ही देखो, क्या ही तगड़ा सा इसका डिजाइन है और क्या ही तगड़ा इसके ऊपर से इफेक्ट आ रहा है। उम्मीद है कि गाइस यार आप लोगों को ये नया चार्ज बस्टर का स्किन पसंद आया होगा। भाई सच में यार, आज मैं एक शॉर्ट वीडियो देख रहा था, उसमें एक बंदा बोल रहा था कि ये
चार्ज बस्टर का नहीं बल्कि M79 लॉन्चर का स्किन है। तो भाई मैं उसको बोलना चाहूंगा यार ध्यान से देखो इस गन को, ये कहां से लॉन्चर लग रहा है यार, ये चार्ज बस्टर का स्किन है। बाकी तो गाइस यार अभी तो हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं। एंड गाइस अभी आप लोग यहां पर अवेलेबल ये ग्रोजा का स्किन देखो। मैं आप लोगों को बताऊं तो गाइस यार लुक वाइज तो ये ग्रोजा का स्किन भी बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा है। उम्मीद है कि गाइस यार आप लोगों को भी ये नया ग्रोजा का स्किन पसंद आया होगा। बाकी तो गाइस यार अभी तो आप लोग स्क्रीन में ये AN94 का स्किन भी देखो। भाई सच में यार ये AN94 का स्किन भी काफी सही है। और हाँ यहाँ पर गाइस मैं आप लोगों को एक खास बात बताऊं तो हम लोगों को ये AN94 का स्किन फ्री में मिलने वाला है। उम्मीद है यार आप लोगों को ये फ्री का गन स्किन पसंद आया होगा। भाई फ्री का स्किन है यार, नॉर्मल सी बात है, सभी को पसंद आएगा। बाकी तो गाइस यार अभी तो आप लोग स्क्रीन में अवेलेबल ये P90 का स्किन भी देखो। भाई सच में यार ये P90 का स्किन भी बहुत ही अच्छा लग रहा है। बट गाइस मैं आप लोगों को बताऊं तो यार हम लोगों को ये वाला P90 का स्किन तो पेड मिलेगा। जी हाँ गाइस यार अगर आप लोग सोच रहे हो कि ये फ्री में मिलेगा तो आप लोग गलत सोच रहे हो। ये तो यार अच्छे खासे डायमंड खाने वाला है। देन तो गाइस यार अभी तो आप लोग यहाँ पर अवेलेबल ये फेमस का स्किन देखो। मैं आप लोगों को बताऊं तो यार मुझे तो पर्सनली ये वाला फेमस का स्किन भी बहुत ही अच्छा लगा। और हाँ गाइस देखो सबसे ज्यादा स्पेशल बात तो ये है कि ये फेमस का स्किन हमारे गेम के अंदर बुया पास में आने वाला है। उम्मीद है कि गाइस यार आप लोगों को भी ये बुया पास में आने वाला फेमस का स्किन पसंद आया होगा। देन तो गाइस यार हम लोगों को इस फेमस के स्किन के बाद यहाँ पर एक M14 का स्किन भी देखने को मिल रहा है। और यार मैं आप लोगों को बताऊं तो लुक वाइज ये वाला M14 का स्किन भी बहुत ही अच्छा है। बट तो गाइस यार अभी ये वाला स्किन हमारे गेम के अंदर कौन से इवेंट में आएगा इसके बारे में पता नहीं लगा है। यही कारण है कि गाइस यार अभी तो हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं। एंड यार अभी आप लोग स्क्रीन में ये AK स्किन को देखो। मैं आप लोगों को बताऊं तो यार ये वाला AK का स्किन भी बहुत सही लग रहा है। और यार जैसे हमारे गेम के अंदर फेमस का स्किन बुया पास में आएगा उसी तरीके से यार ये AK का स्किन भी हमारे गेम के अंदर बुया पास में आने वाला है। भाई सच में यार आजकल हमारे गेम के अंदर बुया पास में काफी बढ़िया बढ़िया गन स्किन आते हैं। जी हाँ गाइस यार पहले जो इलाइट पास हुआ करता था भले ही वो इलाइट पास बहुत सस्ता और बहुत सही रहता था बट उसके अंदर हम लोगों को कभी भी परमानेंट लेजेंडरी गन देखने को नहीं मिलते थे। बट गाइस अब जो हमारे गेम के अंदर बुया पास आते हैं उसके अंदर हम लोगों को लेजेंडरी और परमानेंट गन स्किन मिलते हैं। यही कारण है कि गाइस यार मुझे तो यार इलाइट पास के मुकाबले बुया पास ज्यादा पसंद है। हालांकि यार अभी तक मैंने बस एक ही बुया पास ले रखा है, वो भी फरवरी मंथ का बुया पास। बाकी तो गाइस यार देखो अभी तो आप लोग भी मुझे कमेंट से बताना कि आप लोगों को इलाइट पास ज्यादा पसंद है या फिर आप लोगों को बुया पास पसंद आ रहे हैं। एंड अभी तक यार आप लोग कितने बुया पास ले चुके हो ये भी मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। भाई सच में यार आप लोगों के कमेंट्स पढ़ने बहुत ही मजा आते हैं, इसलिए तो गाइस यार अभी तो आप लोग कमेंट जल्दी जल्दी कर दो। बाकी तो गाइस देखो अभी तो हम लोग बातों में ज्यादा टाइम ना वेस्ट करे हुए आज की वीडियो में आगे बढ़ते हैं। और अभी हम लोग बात करते हैं हमारे बड़ी मार्ट स्टोर अपडेट के बारे में। जी हाँ गाइस यार देखो मैं आप लोगों को बताऊं तो बहुत ही जल्द यार हमारे बड़ी मार्ट स्टोर के अंदर कुछ नए बंडल्स ऐड होने वाले हैं। जी हाँ गाइस यार अभी तो आप लोग स्क्रीन में ध्यान से देखो, ये जो तीन फीमेल बंडल गाइस अभी आप लोग स्क्रीन में देख पा रहे हो यही वो तीन फीमेल बंडल है जो कि हमारे गेम के अंदर इस बार बड़ी मार्ट स्टोर में ऐड होंगे। भाई सच में यार लगभग एक दो महीने से ये तीन फीमेल बंडल हमारे बड़ी मार्ट स्टोर के लिए पेंडिंग पड़े हैं। बट गाइस यार फाइनली अब जो 25 तारीख को हमारे गेम के अंदर बड़ी मार्ट स्टोर में अपडेट आएगा उस दिन यार ये तीनों बंडल हमारे बड़ी मार्ट स्टोर में ऐड कर दिए जाएंगे। मुझे पता है गाइस यार अभी आप लोगों को ये तीन फीमेल बंडल पसंद तो नहीं आए होंगे बट यार यही सच्चाई है, इसलिए मैंने आप लोगों को इन तीन बंडल का रिव्यू करवा दिया। भाई आप लोग खुद ही सोचो यार अभी मैं आप लोगों को कुछ और आइटम दिखा दूं और कहूं कि ये आइटम हमारे बड़ी मार्ट स्टोर में आएंगे यार ये तो गलत होगा ना, जो सच है वही बताना सही रहता है। इसलिए गाइस यार आज मैंने आप लोगों को बड़ी मार्ट स्टोर का सारा सही इन्फॉर्मेशन दे दिया। उम्मीद है गाइस आप लोगों को आज का वीडियो पसंद आया होगा। तो बाकी तो गाइस यार देखो क्योंकि आज की वीडियो में तो मेरे पास इतना ही इन्फॉर्मेशन था, इसलिए गाइस अभी तो हम लोग आज के इस बहुत ही कमाल के वीडियो को यहीं पर ही एंड करते हैं। मिलते हैं आप लोगों से किसी और वीडियो में नई नई अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।